नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनवायरमेंट की क्लास चल रही है निरंतर, ठीक है ना। कि चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हम लोगों का बायोम। टॉपिक क्या है हमारा? बायोम, ठीक। कल तक की क्लास आप लोगों ने समझ ली है, स्टार्ट करते हैं बायोम को। चलिए तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जीआईसी लेक्चरर मेंस का ज्योग्राफी का बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस है 4999। जूनियर एडेड का बैच प्रारंभ हो चुका है 999 में। नेक्स्ट आपका जीआईसी लेक्चरर का जो सामान्य अध्ययन का बैच है वो भी प्रारंभ हो चुका है 999 में। इसमें समस्त कोर्स में पहले आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, और पढ़ाने के साथ साथ जैसा कि आप लोग मेरी क्लास में देख रहे हैं, ये क्लासेस कुछ समय के लिए ही आपको प्रोवाइड की जा रही है, पब्लिक क्लासेस। इसके बाद ये क्लासेस पेड क्लासेस में ही चलेंगी, ठीक है। तो इसके लिए संपूर्ण कोर्स को आपको पढ़ाया जाएगा, उससे रिलेटेड टॉपिक्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जीआईसी लेक्चरर का इंग्लिश का बैच चल रहा है 9999 का। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, और टॉपिक है हमारा आज का बायोम। मैंने आप लोगों को बताया था बायोम आज का टॉपिक होगा, कल की क्लास में मैंने बता दिया था आप लोगों को बायोम। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा धैर्य से और चीजें समझने की कोशिश करिएगा। ना समझ में आए आप क्लास में बोल सकते हैं, बोलने का पैसा नहीं लगता है, ठीक है। इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप क्लास में क्लियर आप लोगों को होता रहे, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, यदि पर्यावरण की बात करते हैं तो हम कहते हैं पृथ्वी के चारों तरफ का जो आवरण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अर्थात यदि हम इसे अर्थ माने, ये हमारी पृथ्वी है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? इस पृथ्वी का जो चारों ओर का है तो ये पर्यावरण का भाग होगा। हमारी समस्त पूरी पृथ्वी जो है ये पर्यावरण का पार्ट होगी। यहीं पर जहां पर जीवन संभव होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। जहां पर जीवन संभव होता है उसे हम लोग कहते हैं जैव मंडल। अर्थात जहां पर जीवन, या बायोस्फीयर के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं। अब जैव मंडल की बात आ गई तो हम लोग इस जैव मंडल को भी दो भागों में विभाजित कर देते हैं। किसमें? अगर बायोस्फीयर की हम लोग बात करेंगे या जैव मंडल की बात करेंगे तो याद रख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, जैव मंडल, ठीक। तो जैव मंडल को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो आपका बायोस्फीयर का पहला पार्ट होता है स्थलीय भाग, स्थलीय भाग होगा, और दूसरा भाग होता है जलीय भाग। जलीय भाग दोनों को हम देखें तो जीवन तो दोनों में ही है। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ये जीवन जो आपका है ये दोनों ही भाग में स्थित होता है। तो जो स्थलीय भाग है, तो स्थलीय भाग के यदि हम बायोम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? बायोम की बात करेंगे तो स्थलीय भाग का बायोम अलग होता है। क्या होता है? स्थलीय भाग का बायोम, ठीक, स्थलीय भाग का बायोम अलग होगा और जलीय भाग का बायोम अलग होगा। क्लियर है? जलीय भाग का बायोम अलग होगा, दोनों का बायोम अलग अलग होता है। देखिए जैव मंडल की बात की जब हमने तो उसमें जीवन की बात की, चाहे वो जल हो चाहे स्थल हो, हम उसको डिवाइड नहीं करते। लेकिन जब हम लोग बायोम की बात करते हैं तो स्थलीय बायोम अलग होगा, जलीय बायोम अलग होगा, ये याद रख लीजिएगा। और जलीय बायोम को हम एक्वेटिक लाइफ जोन कहते हैं। एक्वेटिक एक्वेटिक लाइफ जोन कहते हैं, याद रख लीजिएगा, इसे लाइफ जोन के नाम से आप जानते हैं। अब जब हम इसके आगे चलते हैं, तो यहां पर याद रख लीजिएगा कि इसमें अब पार्टीशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो यहां से आपकी पूरी की पूरी रियल स्टोरी जो चलेगी वो क्या हो जाएगा? बायोस्फीयर या जैव मंडल
बायोस्फीयर या जैव मंडल की बात करते हैं तो ये आपका यहां पर, यदि हम इस जैव मंडल की बात कर रहे हैं, ये मान लीजिए कोई ए है तो इसका जैव मंडल है, मतलब यहां पर जीवन है। और ये स्थलीय भाग की बात कर रहे हैं तो ये स्थलीय स्थलीय आपका बायोम होगा। क्या हो जाएगा? स्थलीय बायोम, बायोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका स्थलीय बायोम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी में, इसी के आगे एक एक स्टेप में चीजें समझते रहिएगा कि स्थल की बात कही मैंने तो वहां पर स्थल का बायोम एक आपको दिखा, लेकिन अब यहां पर कंडीशन क्या होगी? मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है जिसके अंतर्गत बहुत से बायोम होते हैं, कि पृथ्वी में कभी एक बायोम नहीं होगा, पृथ्वी में बहुत ढेर सारे बायोम होते हैं। तो मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के यदि हम बायोम की बात करें तो यहां पर बहुत ढेर सारे होंगे। तो यहां पर ए बायोम पाया जाएगा, यहां पर बी बायोम पाया जाएगा, सी बायोम पाया जाएगा, परेशान मत होइएगा, सारा डिटेलिंग है, डी बायोम कहते हैं। ठीक, तो ये चार बायोम यदि हम बात करें तो ए बी सी डी की बात करें तो यहां पर यदि बायोम की बात कर रहे हैं तो ये बायोम का निर्माण कैसे हो रहा है? सबसे पहली बात यह है कि पृथ्वी में एक बायोम ना होकर अनेकों बायोम होते हैं। तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, अनेकों बायोम होते हैं, अनेकों बायोम बायोम पृथ्वी में है। ठीक है, कि हम ये नहीं कह सकते कि केवल एक जगह पर एक बायोम है, तो अनेकों बायोम होंगे, पहले तो ये जान लीजिए आप लोग। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि यह कैसे इतने पृथ्वी के अंतर्गत अलग अलग बायोम होंगे? सबसे पहला पॉइंट ये आएगा कि पृथ्वी के अंतर अलग अलग बायोम होंगे। तो सारे, अगर हम रेगिस्तान की बात करेंगे तो सारे रेगिस्तान हमारे बायोम के भाग हैं कि नहीं है? ठीक, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जो रेगिस्तान की बात करेंगे, रेगिस्तान की बात करते हैं तो रेगिस्तान को आप लोग जान लीजिए कि यह बायोम का भाग होगा कि नहीं होगा। पहला तो पार्ट ये है आपके दिमाग में स्थिर होने चाहिए, तो ये बायोम का भाग होगा। ठीक, बायोम का भाग है, याद रख लीजिए कि ये बायोम का भाग है। अब कैसे? यदि हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो यहां पर वनस्पतियां, जीव जंतु बहुत कम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वनस्पतियां, जीव जंतु कैसे हैं? बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत कम है। अब बहुत कम है तो निश्चित रूप से रेगिस्तान का अपना एक बायोम होगा। ठीक, अब बायोम के आकार को कौन तय करता है? सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि आखिर बायोम के आकार को कौन तय करेगा? ठीक, तो पॉइंट बना लीजिएगा कि बायोम के आकार को कौन तय करता है? ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि बायोम के आकार को कौन तय करता है। तो बायोम के, या फिर नेक्स्ट आप लोगों के मन में एक आएगा, बायोम के अंतर का आधार क्या है, कि एक बायोम से दूसरे बायोम के अंतर का आधार क्या होगा? तो अंतर का आधार क्या है, ये आप लोगों के प्रश्न है। ठीक, जो आपके माइंड में आते हैं, यदि हम इसी के लिए बात करें तो यदि हम देखें तो सबसे पहले तापमान होता है। तापमान किसी भी जगह का, एक किसी भी जगह की हम बात करते हैं तो तापमान प्लस वर्षा, यदि तापमान और वर्षा की बात करें तो ये बायोम के क्षेत्र को तय करता है। क्या करता है? बायोम के क्षेत्र को तय करता है।
तय करता है। ठीक है, याद रख लीजिए। तापमान और वर्षा कैसे बायोम के क्षेत्र को निर्धारित करती है, अब आपका प्रश्न ये होना चाहिए, क्योंकि हर जगह का तापमान अलग अलग होता है और हर जगह की वर्षा अलग अलग होती है। यदि हम रेगिस्तान की वर्षा की बात करेंगे तो 20 से 25 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। यदि हम सामान्य जगह की वर्षा की समुद्र तटीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो वहां पर 200 से लेकर 300 सेंटीमीटर की वर्षा होगी। ठीक पर्वतीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो 200 सेंटीमीटर की वर्षा हो सकती है। ठीक वहां की बात करें, स्थलीय क्षेत्र की बात करेंगे तो आपके 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती। तो हर जगह का अलग अलग वर्षा का क्रम हुआ। तापमान की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान अलग होगा, मैदानी क्षेत्रों में अलग होगा, समुद्र तटीय क्षेत्रों का तापमान अलग होगा। तो यह क्या करेगा, इसके आधार पर ही हम क्या करते हैं, बायोम के क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, क्लियर है कि बायोम के क्षेत्रों का निर्धारण कैसे करते हैं आप लोग, तो ये भी आप लोगों को सभी को क्लियर है। यदि किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे अभी बता सकता है कि हाँ सर इसमें मुझे डाउट क्रिएट हो रहा है या मुझे कोई समस्या आ रही है, जैसा भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग बता दीजिए मुझे। अभी तक की चीजों में हमें क्या क्लियर नहीं हुआ आप लोगों को। ठीक, तो यदि हम इसी में आगे चलते हैं तो प्रत्येक बायोम की बात करें तो प्रत्येक बायोम का यदि हम बात करें तो क्या क्या आधार होगा, तो प्रत्येक बायोम की बात कर लेते हैं। प्रत्येक बायोम बायोम का बात करें बायोम, तो यहां पर यदि हम किसी भी बायोम की बात करते हैं तो तापमान वर्षा पहला, तापमान प्लस वर्षा, यह है कि आधार उसके अलग होने का। दूसरा, हर क्षेत्र की वनस्पतियां अलग अलग होती हैं, वनस्पतियां क्या होती हैं अलग अलग होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यदि हम वनस्पतियां एक जैसी नहीं मिलेंगी कहीं पर, आवास की बात कर लेते हैं तो आवास की बात करते हैं बेटा, तो यहां पर याद रख लीजिएगा कि यदि रेगिस्तान की बात कर रहे हैं तो रेगिस्तान के आवास अलग होंगे, मैदानी क्षेत्रों की बात करेंगे तो यहाँ के आवास अलग होंगे, पर्वतीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो यहाँ के आवास अलग होंगे। ठीक, आपके समुद्र तटीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो वहां के आवास अलग होंगे, समुद्र के किनारे आवासों की बात करेंगे तो वहां के आवास अलग होंगे। तो यहां पर जब सब कुछ अलग अलग होगा तो उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, खाद्य व्यवहार, खाद्यान्न व्यवहार, कि हर जगह के खाद्यान्न खाने का जो तरीका होता है भोजन का। अब बंगाल के लोग मछली भात खाते हैं, हमारे यहाँ के नॉनवेज ब्राह्मण नहीं खा सकते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, कहते हैं राम 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 का बोल दिए भैया मछली भात खाएंगे है? तो ये चीजें हैं और वहां का हर व्यक्ति खाता है। यही केरला में है, चावल ज्यादा खाया जाता है, जो समुद्र तटीय क्षेत्र है यहाँ चावल ज्यादा खाया जाता है। क्यों ज्यादा खाया, क्योंकि उत्पादन उसका ज्यादा होता है। अब यही हरियाणा चले जाइए तो हरियाणा का आदमी चावल कम खाता है, चावल ना ही के बराबर खाता है। क्यों, वो गेहूं का उत्पादन ज्यादा करते हैं तो इसलिए वो गेहूं दाब के खाते हैं, खूब रोटी चबा चबा के खाएंगे, 15-20 तो एक आदमी 30-30 रोटी नाप देगा। तो हर जगह का खाद्य व्यवहार भी अलग अलग है। ठीक, यदि हम बात करें प्रजनन व्यवहार की तो यहां पर हर एक जगह का प्रजनन व्यवहार भी, प्रजनन व्यवहार व्यवहार अलग अलग है। प्रजनन व्यवहार की बात करें ये भी अलग अलग है जीवों में। तो सब क्या है यहां पर यदि हम बात करें, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, याद रख लीजिएगा ये अलग अलग होता है। और जब अलग अलग होगा तो प्रत्येक बायोम की स्थिति क्या होगी, अलग अलग होगी निश्चित रूप से। अब यहां पर यदि हम बात करें, ये ए बायोम है, कौन सा, ये ए बायोम है, बायोम है, ये क्या है, ये बी बायोम है आपका, और ये आपका सी बायोम है, और ये आपका डी बायोम है। ठीक, तो यहां पर अब जब मैंने ये चार बायोम बना दिए हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये चारों बायोम क्या हैं, अलग अलग होंगे, क्या होंगे, अलग अलग, अलग अलग होंगे। जब अलग अलग होंगे आप लोगों को क्लियर है कि हाँ भैया ये सब अलग अलग होंगे, तो निश्चित रूप से इसकी बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा,
जब ये अलग हैं तो यहां से जुड़ी चीजें भी अलग हो जाएंगी। ठीक, अब जैवमंडल में बायोम, बायोम को ये स्थली भाग मान लेते हैं। ठीक है, अब यदि हम लोग इसको बात करें तो यहां पर हम लोग बायोम को कुछ ऐसे देखें। ठीक, इस स्थिति में देखें तो ये अगर हम इसको पूरे को देखें तो ये क्या है, ये जैव मंडल है, जैव मंडल है। आप लोगों को पता है, ये क्लियर है, ये जैव मंडल आ गया आपका। अब इसी में यदि हम बायोम की चर्चा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये बायोम कहलाएगा आपका, बायोम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये स्थान इसका बायोम होगा। ठीक है, ये इसका बायोम कहलाएगा और ये क्षेत्र जो है ये क्या हो जाएगा इसका, यदि हम बात करें तो इसके बीच का जो खाली स्थान है उसको हम लोग वायुमंडल के क्षेत्र के नाम से भी जान लें। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा होल जो हो गया ये पर्यावरण हो गया। तो अब आप लोगों को इन तीनों, एक दो और तीन, तीनों में अंतर तो क्लियर हो गया होगा कि पर्यावरण किसे कहते हैं, जैव मंडल किसे कहते हैं और बायोम किसे कहते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक जैव मंडल की बात कर लें या फिर बायोम की बात करते हैं हम लोग, तो यहां पर यदि बात करें तो यहां पर जीव और वनस्पतियां आपस में अंतःक्रिया करती हैं। मान लीजिए कि ये ए बायोम है, क्या है, ए बायोम है, तो यहां पर क्या होंगे, आपके जीव जंतु होंगे, जीव जंतु होंगे और यहां पर वनस्पतियां होंगी, वनस्पतियां होंगी। अब ये वनस्पतियां हैं तो ये दोनों क्या करेंगी, आपस में अंतःक्रिया करेंगी, आपस में अंतःक्रिया, अंतःक्रिया करते हैं। ठीक, लेकिन ये दूसरे बायोम के साथ अंतःक्रिया नहीं करेंगे। ठीक है, ए और बी बायोम के मध्य जो अंतःक्रिया होगी वह उनका आधार क्या हो सकता है, वनस्पतियां हो सकती हैं। ये ए बायोम हो गया, अब यहीं पर यदि मैं कहूं कि ये बी बायोम है, ठीक, बायोम। अब यहां पर यदि हम बात करें तो यहां पर भी जीव जंतु जो होंगे वो अलग होंगे और यहां की वनस्पतियां भी, वनस्पतियां जो होंगी वो कैसी हो जाएंगी, अलग होंगी। अब इनके बीच में यदि इंट्रैक्शन करवाना है या अंतःक्रिया करवानी है तो वनस्पतियां क्या करेंगी, पेड़ पौधे जो होंगे वो पारिस्थितिकी में आपस में एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगी। ठीक, और हर बायोम में अगर ये अंतःक्रिया करती हैं और सफल होती हैं तब तो ठीक है, नहीं सफल होती है तो निश्चित रूप से बायोम इसीलिए अलग अलग होता है। जैसे घास का बायोम होगा वो अलग होगा, ठीक है, जल का बायोम होता है वो अलग होगा, उसका आधार ही ये है। ठीक है, अब बायोम में अंतर क्यों है, हर बायोम का ताप और वर्षा के कारण हर एक बायोम में अंतर है। यदि हम बात करें, अब यहां पर हम लोग पृथ्वी की बात करते हैं तो अब आप लोग क्लियर से समझते रहिएगा, इक्वेटर की बात करते हैं, इक्वेटर, और ये मान लेते हैं हम 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात है और ये आपका 23.5 डिग्री साउथ की बात करते हैं हम लोग। ठीक, तो इक्वेटर का जो होगा वो बायोम अलग होगा, क्यों अलग होगा बायोम, ठीक, इक्वेटर का बायोम अलग होगा क्योंकि इक्वेटर का तापमान की बात करें, तापमान और वर्षा की बात करें, यहां पर तापमान और वर्षा अलग होगी क्योंकि यहां पर सूर्य वर्ष भर लंबवत रहता है और वर्षा प्रतिदिन होती है, क्या होती है, यहां पर वर्षा प्रतिदिन होती है। और यहीं पर इसकी बायोम की बात की जाएगी, किसकी, मकर रेखा की, मकर रेखा की बायोम की बात की जाएगी, तो यहां का तापमान, तापमान और वर्षा अलग है, और यहां पर तापमान और वर्षा अलग है तो निश्चित रूप से यहां का बायोम क्या हो जाएगा, बायोम अलग हो जाएगा आपका। ठीक है, किसके आधार पर, तापमान और वर्षा के, सेम चीज यहां पर हम लोग बात करते हैं तो तापमान वर्षा अलग, तापमान और वर्षा
वर्षा अलग है तो निश्चित रूप से यहां का भी बायोम अलग होगा। अब यहां पर ध्रुवीय क्षेत्रों की यदि हम लोग बात कर लें तो यहां पर जो 90 डिग्री नॉर्थ की बात करते हैं और ये 90 डिग्री साउथ की बात करते हैं तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, बायोम अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी तापमान और वर्षा दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये क्लियर है कि बायोम में तापमान और वर्षा है। यदि हम ये कहें कि ए बायोम और ये बी बायोम है, ठीक, दो बायोम है। अब इनके मध्य यदि हम देखें तो इनके मध्य जो स्थल होगा, ये ए बायोम है आपका बायोम, ये क्या है, बी बायोम है आपका, ठीक है, और इसके मध्य ये जो स्थल आपका बना ये कैसा होगा, ये संक्रमणीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, ये आपका संक्रमणीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, संक्रमणीय क्षेत्र, ठीक। इसी संक्रमणीय क्षेत्र को आप लोग क्या कहते हैं, इकोटोन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, इकोटोन के नाम से आप लोग इसे जानते हैं। ये इसमें जब इस इकोटोन की बात आती है तो इकोटोन का मतलब क्या हो गया कि इसमें ए के भी लक्षण हैं, इसमें बी के भी लक्षण हैं, इसमें ए और बी बायोम दोनों के लक्षण होते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज याद रखिए, मान लीजिए कि कोई घटना इस बायोम में घटित होती है, ठीक, तो ये इसको पूरी तरह से प्रभावित नहीं करेगा। बी में कोई घटना घटित होती है लेकिन ये इसको प्रभावित नहीं करेगा, ठीक, लेकिन ये ए में रहने वाले समस्त जीव और वनस्पतियां समाप्त हो जाएंगी, बी में रहने वाले जीव और वनस्पतियां समाप्त हो जाएंगी। इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो, पूरा का पूरा जीव समाप्त होने का एक खतरा बना रहता है। क्लियर है सभी लोगों को, किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे बता दे कि हाँ यहां पर हमें डाउट हो रहा है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो यहां पर मुझे बता दे। ठीक, नहीं है डाउट, चलें आगे। चलिए, जब हम एक की बात करते हैं कि ये ए बायोम की ही बात करें, हम ए बायोम में क्या होगा, आपस में संघर्ष ज्यादा होगा। क्यों होगा, यहां पर आपस में संघर्ष ज्यादा होगा। किसके लिए ज्यादा होगा, क्योंकि नो डाउट यहां की जब हम लोग बात करते हैं तो ज्यादा क्यों होगा, एक तो तापमान और वर्षा, तापमान वर्षा की बात करें, तापमान वर्षा समान है यहां पर। ये याद रखिएगा कि बायोम के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है वो किसके आधार पर, तापमान और वर्षा के आधार पर होता है। यहां पर आपस में संघर्ष होगा, किनके मध्य संघर्ष होगा, तो जीव जंतु जो आपके हैं, जीव जंतु और वनस्पतियों के मध्य होगा, वनस्पतियों के मध्य होगा। तो यहां पर निश्चित रूप से क्यों ज्यादा संघर्ष होगा, क्योंकि निश्चित रूप से सघनता क्या होगी, यहां पर ज्यादा होगी। क्या हो जाएगी, सघनता ज्यादा होगी, और क्योंकि एक ही प्रजाति के लोग पाए जा रहे हैं, एक जैसे ही लोग पाए जा रहे हैं, वहां पर सघनता ज्यादा होगी, और जब सघनता ज्यादा होगी तो जीवन जीने के लिए यहां पर संघर्ष भी ज्यादा होगा, संघर्ष ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है, यहां पर क्या हो जाएगा, संघर्ष भी ज्यादा होगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। ठीक, यहां पर जैसे जैसे सघन होती जाएंगी, किस किस के लिए इनके बीच में संघर्ष होगा, एक तो आवास के लिए इनका संघर्ष हो जाएगा, किसके लिए, आवास के लिए इनके मध्य संघर्ष होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, आवास के बाद यदि हम बात करते हैं, आवास के लिए संघर्ष इन्होंने कर लिया, अब किसके लिए, तो सबसे ज्यादा भोजन के लिए भी तो संघर्ष करते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग मानव हैं, एक जैसे मानव मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो हम लोगों के बीच में आपस में कंपटीशन होता है। ठीक, आपका दक्षिण भारतीय जो मानव है और उत्तर भारतीय जो मानव है, तो उत्तर भारतीय मानव को दक्षिण भारतीय मानव पसंद नहीं करते हैं। कैसे, उत्तर भारतीय आदमी खाली होता है,
ठीक। अब जब खाली है तो उनका तापमान अलग है, टेम्परेचर अलग है, ठीक, और उनकी वर्षा का क्रम अलग है, और दक्षिण भारतीयों के वर्षा और तापमान का क्रम अलग है, उनकी जो परिवेश है, परिवेश का आधार क्या है, सच और सही से मेहनत करके पैसा कमाना, और हमारे यहाँ का काम क्या है, उत्तर भारतीयों का बेवकूफ बना के फ्रॉड करके आपसे पैसा लूट लेना और फिर कहना आना कि फिर परसों तुम्हारा काम मिल जाएगा, एकदम टनाटन मिलेगा, ठीक। तो वो क्या है, उसका आधार क्या है कि संघर्ष किसके लिए हो रहा है, ये सारा जो संघर्ष है ये संघर्ष किसके लिए, आवास और भोजन के लिए संघर्ष हो रहा है। क्लियर है आप लोगों को कि आवास और भोजन के लिए संघर्ष, आवास और भोजन के लिए आपस में संघर्ष हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं, तो विश्ववत की बात करते हैं, विश्ववती बायोम। अब बायोम का वर्गीकरण यदि करें हम तो बायोम का वर्गीकरण, ठीक। तो बायोम के वर्गीकरण की जब हम लोग बात करते हैं तो ये एक पॉइंट बाय पॉइंट याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग इक्वेटर की बात करते हैं, विषुवत रेखा की बात करते हैं, तो विषुवतीय बायोम आएगा। पहला क्या आएगा, विषुवतीय बायोम की बात करेंगे हम लोग, बायोम याद कर लीजिएगा, विषुवतीय बायोम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, विषुवतीय बायोम के बाद यदि हम लोग बात करते हैं तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आ जाएगा, विषुवत के बाद मानसूनी वर्षा होती है तो मानसूनी बायोम होगा। कैसा होगा, मानसूनी बायोम होगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट आपका मानसूनी बायोम हो जाएगा। जो इसके बाद की बात करें तीसरे पॉइंट पर, मानसूनी बायोम के बाद यदि हम बात करते हैं तो आपका सवाना बायोम आएगा। क्या आ जाएगा, सवाना बायोम। अब आप लोग पहले जान लीजिए कि कितने बायोम आप लोगों को प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये तो अब जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा, सवाना बायोम। फिर नेक्स्ट आता है भूमध्य सागरीय बायोम, भूमध्य सागरीय बायोम की बात करते हैं, भूमध्य सागरीय बायोम, ठीक है। नेक्स्ट आपका भूमध्य सागरीय बायोम हो जाता है, और भूमध्य सागरीय बायोम की बात करें तो यहां पर आपका टाइगा बायोम होता है, टाइगा बायोम। और हर बायोम की अपनी अपनी खासियत होती है बायोम। और फिर इसके बाद आपका छठा आता है टुंड्रा बायोम। तो टोटल यदि बायोम की बात की जाए तो 6 बायोम की चर्चा की गई है, ठीक। इसमें फिर इसके बाद आपका जलीय वाला भाग आ जाता है, एक्वेटिक लाइफ जोन, तो उसको भी हमें देखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज जो हम लोगों का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जहां से आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत आराम से चलना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि परेशान होने के लिए हम लोग नहीं है। चलिए ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला विषुवतीय बायोम की चर्चा हम लोग करते हैं। तो विषुवतीय बायोम की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो ये जो आपकी विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और यहां पर आपका क्या है, ये आपका नॉर्थ पोल है 90 डिग्री पर, और ये आपका 90 डिग्री पर साउथ पोल है, याद रख लीजिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को निश्चित रूप से हम लोग क्या कहेंगे, विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो यहां पर आप देखिए कि मैं हमेशा आपको बताता हूं, इस 0 से लेकर 5 डिग्री तक का क्षेत्र विषुवतीय बायोम के क्षेत्र में आता है, ये विषुवत रेखा के क्षेत्र में आता है। तो यहां पर बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है हम लोगों का, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा क्षेत्र विषुवत रेखीय क्षेत्र है, और यहां पर बायोम कौन सा हो जाएगा, तो यहां पर बायोम होगा आपका विषुवतीय बायोम। आराम से रहिएगा, परेशान मत होइएगा, बायोम, ठीक।
जिससे आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएं। समझ में आना जरूरी है क्योंकि आप लोगों को पेपर भी देना है। तो हम लोग बात करते हैं, अब देखिए विषुवतीय बायोम की मैंने बात कही है आप लोगों से, ठीक है, विषुवतीय बायोम की बात की हमने। तो विषुवतीय बायोम में आप लोग याद रख लीजिएगा, जब भी हम लोग चर्चा करते हैं विषुवतीय बायोम की, ये आपका सूर्य हो जाएगा, ठीक। तो विषुवत रेखा पर सूर्य सदैव लंबवत चमकता है। कैसा चमकता है? विषुवत रेखा पर सूर्य सदैव लंबवत चमकता है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक। विषुवत रेखा पर पॉइंट बनाइए, विषुवत रेखा पर रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, लंबवत वह चमकता है, चमकता है। अब जब सूर्य लंबवत चमकता है तो इसका मतलब क्या है? यहां पर सूर्य तप की मात्रा ज्यादा होगी, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक। अब जब सूर्य ताप ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से यहां पर वर्षा भी कैसी होगी, वर्षा भी ज्यादा होगी, क्लियर है। यहां पर जब सूर्य ताप ज्यादा प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से यहां पर वर्षा भी ज्यादा होगी। अब जब वर्षा भी यहां पर ज्यादा होगी तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि यहां जब वर्षा भी ज्यादा होगी, सूर्य ताप भी ज्यादा होगा, तो यहां पर यदि हम देखें तो यहां पर वनस्पतियों और जीवों की सघनता भी ज्यादा होगी। यहां पर क्या हो जाएगी, वनस्पतियों और जीवों की सघनता की बात करें तो यहां पर वनस्पतियों और जीवों की सघनता की बात करें, जीवों की सघनता ज्यादा होगी कि नहीं होगी। भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर जीवों की सघनता सबसे ज्यादा होती है, ठीक। तो यहां पर वनस्पतियां और जीवों की सघनता भी ज्यादा होगी। अब जब ज्यादा होंगी तो निश्चित रूप से यहां पर क्या हो जाएगी, जब वर्षा ज्यादा, सघनता ज्यादा, तो निश्चित रूप से यहां का बायोम भी अलग होगा पूरा का पूरा। तो यहां पर चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, यहां पर क्या होता है, इसको समझिए। ये आपकी इक्वेटर है, ठीक है, और ये आपकी 23.5 डिग्री मान लेते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये आपकी 23.5 डिग्री साउथ है, ठीक है, नॉर्थ है और ये 23.5 डिग्री साउथ है। यदि हम बात करें तो यहां से क्या चल रही है, व्यापारिक पवने चलती हैं। अब बहुत धैर्य से चलना है आप लोगों को, यहां से ये व्यापारिक पवने चल रही हैं, इन दोनों को आप लिख लीजिए, ये दोनों ही दोनों तरफ से व्यापारिक पवने चलती हैं। कौन सी, व्यापारिक पवने चलती हैं। और ये व्यापारिक पवने खेलती क्या हैं, आप लोग ये याद रख लीजिएगा। तो ये व्यापारिक पवने जब आपस में टकराएंगी, चल रही हैं, और जब ये व्यापारिक पवने आपस में टकराती हैं, आपस में टकराएंगी तो जब ये आपस में टकराएंगी तो क्या हो जाएगा, यहां पर घनघोर वर्षा होगी। क्या होती है, घनघोर वर्षा, और ये घनघोर वर्षा से ही क्या कहलाएगा, यहां पर विषुवतीय बायोम, जो घनघोर वर्षा होगी इस कारण से, ये पूरा का पूरा रीजन क्या होगा, घनघोर वर्षा हुई, सूर्य ताप ज्यादा है, तो जब सूर्य ताप यहां पर घनघोर वर्षा भी हो रही है और यहां पर क्या हो रही है, सूर्य ताप
ज्यादा है यहां पर। अब जब सूर्य ताप ज्यादा है तो निश्चित रूप से यहां पर वर्षा और सूर्य ताप दोनों ही ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं, तो यहां पर वनस्पतियों की सघनता भी ज्यादा हो जाएगी। समझ लीजिए सघनता, सघनता भी ज्यादा होगी, सघनता भी ज्यादा। अब जब सघनता ज्यादा है तो निश्चित रूप से यहां पर संघर्ष भी ज्यादा होगा। क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से यहां पर संघर्ष ज्यादा होगा। अब संघर्ष किस लेवल पर होता है? संघर्ष ज्यादा होता है तो यहां पर जो पेड़ होते हैं वह अधिक ऊंचे ऊंचे तक पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जड़ें अधिक गहराई पर होंगी। एक पेड़ की ऊंचाई ये है, दूसरा पेड़ इससे ऊंचा जाएगा क्योंकि उसको भी सूर्य ताप की मात्रा प्राप्त करनी है। अब ये दूसरा आ गया है तो इसको इससे ऊपर जाना है क्योंकि इसको भी सूर्य ताप की मात्रा चाहिए। सेम इसी तरह से तो यहां पर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उनकी ऊंचाई अधिक होती है और अत्यधिक कठोर मात्रा में कठोर होती हैं, बहुत ज्यादा सॉलिड होती हैं यहाँ की वनस्पतियां। याद रख लीजिएगा ये चीजें, ठीक। इसलिए ये क्षेत्र जो बनेगा ये कौन सा क्षेत्र है? ये विषुवतीय बायोम का क्षेत्र है। अब दूसरी चीज, यहाँ पर वर्षा ज्यादा हो रही है तो यहाँ पर वर्षा ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से जब विषुवत रेखा पर वर्षा ज्यादा होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि ये आपका जीरो डिग्री अक्षांश रेखा है या विषुवत रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा है। तो यहां पर जब वर्षा ज्यादा हो रही है तो यहां पर लिंचिंग की समस्या ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वर्षा ज्यादा है तो यहां पर देखिए एक के साथ कई चीजें कनेक्ट हो जाती हैं। वर्षा ज्यादा है तो यहां पर वर्षा अधिक होने के कारण, लिख लीजिए, वर्षा अधिक होने के कारण कारण भूमध्य रेखा में लिंचिंग की समस्या ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। मैंने कहा ना इसकी जड़ें ज्यादा गहराई पर जाती हैं, वृक्षों की जड़ें ज्यादा गहराई तक जाती हैं, इसके भूमध्य रेखीय एरिया में वृक्षों की जड़ें ज्यादा गहराई तक जाती हैं। तो निश्चित रूप से ज्यादा गहराई तक क्यों जा रही हैं ये भी आप लोगों को पता होगा। जब लिंचिंग होगी तो ये जो पोषक तत्व यहां पर थे, जो पृथ्वी पे जो धरातल के पोषक तत्व नीचे ही थे, वो क्या हो जाएंगे? ये नीचे खिसक जाएंगे। कहां पर चले जाएंगे? अधिक गहराई पर ये पोषक तत्व हमारे धरती के, ये हमारे पृथ्वी के जो पोषक तत्व थे, भूमि के पोषक तत्व अधिक गहराई पर चले जाते हैं, अधिक गहराई पर चले जाते हैं। अब जब ये अधिक गहराई पर चले जाएंगे तो निश्चित रूप से एक चीज याद रख लीजिएगा कि जब पोषक तत्व अधिक गहराई पर चले गए हैं तो यहां जो पेड़ निकलेगा, मान लीजिए कि ये कोई पेड़ निकलने वाला है यहां पर, तो ये कहां तक इसकी जड़ें जाएंगी? यहां पर ये पोषक तत्व है तो ये यहां पर इनकी जड़ें आएंगी। तो इनकी जड़ें कैसी हो जाती हैं? अधिक गहराई पर इनकी जड़ें पहुंच जाती हैं। उसका कारण क्या है? ठीक, तो उसका कारण क्या है? अधिक गहराई तक पहुंचने का कारण क्या है? तो इसका मुख्य रीजन यह है, अधिक गहराई पर जड़ों के पहुंचने का मुख्य कारण जो है वो है लिंचिंग। ठीक, अधिक गहराई तक पहुंचने का, जो यहां पर जड़ें अधिक गहराई तक चली जाती हैं उसका कारण है लिंचिंग। और लिंचिंग के कारण यहां पर क्या हो जाता है? गहरे। और जो ये ऊपर पहुंचती हैं, जो आपकी ये ऊंचाई तक वृक्ष पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से उसका कारण है प्रकाश संश्लेषण
ठीक। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है, मतलब ये पौधों के पौधे इसके द्वारा ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पौधे पौधे अपना भोजन भोजन इनके द्वारा भोजन इस क्रिया के द्वारा बनाते हैं, इस क्रिया के द्वारा बनाते हैं। अब भोजन के लिए क्या चाहिए, सूर्य सूर्य का प्रकाश चाहिए। अगर ये किसी भी वृक्ष के, मान लीजिए कि ये कोई वृक्ष है और इसके बगल में ये नीचे एक छोटा सा वृक्ष है, तो इसको सूर्य का प्रकाश नहीं प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि यहां पर अधिक घने घने वन हैं, अधिक घना यहां पर डेंसिटी बहुत अधिक है, तो इनकी ऊंचाई जब तक ऊपर नहीं जाएगी जब तक ये सूर्य का प्रकाश नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में क्या होता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सर्वाधिक यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा यहां पर क्या होता है, अधिक ऊंचाई के वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा कि यहां पर अधिक ऊंचाई के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट, यहां पर यदि लिंचिंग ज्यादा होती है तो पेड़ पौधों की पत्तियां गिरकर ह्यूमस का निर्माण करती हैं, लेकिन लिंचिंग के कारण ये क्या हो जाती है, नीचे चली जाती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। यही कारण है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की उर्वरा शक्ति कम होती है, जिससे कृषि कार्य यहां पर कम होता है। तो याद रख लीजिएगा कि भूमध्य सागरीय जलवायु में क्या होगा, जो वर्षा पेड़ पौधों की पत्तियां गिरती हैं, जो फर्टिलाइज करती हैं, जमीन को उर्वरा देती हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, लिंचिंग, वर्षा के कारण उसके पोषक तत्व तो धरती के नीचे चले जाते हैं, जिसके कारण विषुवत रेखीय जलवायु जो होती है वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर भूमि कम उर्वरक हो जाती है। ठीक है, भूमि कम उर्वरक हो जाती है, तो ये याद रखने वाला पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की इसी में एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, ये विषुवत रेखीय बायोम में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं या पेड़ पौधे पाए जाते हैं, विषुवत रेखीय बायोम में कौन कौन से पेड़ पाए जाएंगे, कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं क्लियर है, ठीक, पेड़ पाए जाते हैं। तो यहां पर कौन कौन से पाए जाते हैं नोट कर लीजिएगा, रबर, रबर नंबर दो, रबर, कहवा, कहवा, अबनूश, नूश, ठीक, नंबर चार महोगनी, महोगनी। तो ये आज आपने बायोम जो पढ़ा, ये विषुवत रेखीय बायोम आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो यहां से ये चीजें थी, आप लोगों ने विषुवतीय बायोम पढ़ा। नेक्स्ट बायोम आपका मानसूनी बायोम है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। चलिए, थैंक यू।